अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पहचान पाकिस्तान न्यूज। देखते हैं सखर से ब्यूरो चीफ डीएम शेख की रिपोर्ट। सखर और घोटकी के साफी नसरुल्ला गडानी और जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब खैरपुर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क्यादत सदर खान मोहम्मद खान, डीएम शेख, सनाउल्ला मेमन, फतेह मेरानी, गुलाम कादिर सोमरू, सैयद आसिफ हसन जैदी, शाहिद शाह, साकिब सदीकी, शुएब चन्ना, सलीम शेख, अली खान रिंग, फरहान मेजू, गुलजार मंगी, दो सोमरू, खादिम जनेजू, अब्दुल मजीद मजीद भमरू व दिगर ने शिरकत की। एहतजाज मुजाहरे का खिताब करते डी एम शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत सहाफियों को तहफ़ फ्राहम करने में नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान में सहाफियों के लिए नो गो एरिया बन चुका है। हुकूमत ने दहशत गर्दों को खुली छूट दे रखी है। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम मजलूम आवाम के मसाइल को उजागर कर रहे हैं, मगर ये बात वडेरों सरदारों को पसंद नहीं आ रही है। उन्होंने वफाकी हुकूमत, सवाई हुकूमत और चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी से मुतालबा किया है सहाफियों के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सहाफियों को तहफ़ फ्राहम किया जाए ताकि सहाफियों में फैले की बेचैनी खत्म हो जाए।